नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब, मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। सुस्ती से जूझ रही देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए केंद्र सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिर से राह दी है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत 1.59 लाख संस्थाओं को 8300 करोड़ रुपए का लाभ दिया जाएगा। इसमें 1.21 करोड़ से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2.0 के तहत सरकार के अहम बदलाव किए गए। सरकारी इसे कर्मचारियों के एपीएफ को जोड़ेगी। ऐसे कर्मचारियों को जिसमें पीएफ के लिए रजिस्टर नहीं किए गए थे, उनकी तनख्वाह 15,000 से कम है, तो उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। निर्मला सीतारमन ने बताया कि 10 सेक्टरों के लिए 1,46,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक इंसेंट योजना बनाई गई है। इसे रोजगार और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। पहले ये योजना 3 क्षेत्रों में शुरू हुई थी। इमरजेंसी क्रेडिट कार्ड गारंटी स्कीम की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी गई है। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने आसान शर्त में कर्ज उपलब्ध कराने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बताया कि बीते दिनों के लिए गए फैसले की वजह से जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है। सालाना आधार पर इसमें 10% की तेजी आई है। बैंक क्रेडिट की 23 अक्टूबर तक 5.1% तेजी आई है। नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री आसियान इंडिया वर्चुअल समिट में संयुक्त रूप से अध्यक्ष करेंगे। इस दौरान कई प्रमुख मसलों के साथ भारत और आसियान के बीच कारोबार बढ़ाने पर भी बात हो सकती है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक विषयों पर चर्चा के लिए हर 2 साल में आसियान देशों का सम्मेलन होता है। आसियान का 37वां सम्मेलन इस बार वर्चुअल तरीके से 12 से 15 नवम्बर तक हो रहा है। भारत सहित 10 देश आसियान में डायलॉग पार्टनर है। भारत के अलावा इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, रूस, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब नीतीश कुमार दिवाली के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों की माने तो 16 नवम्बर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। नीतीश कुमार इस बार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सबसे पहले साल 2000 में वो मुख्यमंत्री बने थे और अब तक वो अलग अलग मौकों पर शपथ ले चुके हैं। लद्दाख में सीमा पर भारत चीन के बीच तनाव कम करने की कोशिशें लगातार जारी है। तनाव कम करने के लिए पेंगोंग झील के उत्तरी तट पर विवादास्पद फिंगर क्षेत्र को अस्थायी तौर पर नो मेंस लैंड पर तब्दील किया जा सकता है। 6 महीने से जारी तनाव को कम करने के लिए इस क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों की गश्ती को रोका जा सकता है। सूत्रों की माने तो फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक एरिया को कुछ समय के लिए नो पेट्रोलिंग जोन बनाने पर विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो भारत और चीन दोनों अपने मौजूदा पोजीशन से पीछे हटेंगे। चीन फिंगर 8 से पीछे हटेगा, जिसे भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बताता रहा है। कांग्रेस ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की तैयारी फिर से शुरू कर ली। दिसंबर में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। दिसंबर में ही कार्यसमिति की बैठक में राहुल के नाम का प्रस्ताव पारित होगा। इसके बाद जनवरी में राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाकर राहुल के नाम पर मुहर लग सकती है। दिवाली से ठीक पहले दिल्ली एनसीआर में कोरोना वायरस के मामले में तेजी और हवा की गुणवत्ता में आई खतरनाक गिरावट से लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के कारण सांस संबंधी परेशानियों से जूझ रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। कई लोग कोविड-19 के संक्रमित भी हो चुके हैं। सुबह से पूरी दिल्ली में प्रदूषण की परतें देखने को मिल रही है। दिल्ली के आईटीओ विजय चौक, इंद्रलोक और सराय रोहित समेत राजधानी के सभी इलाकों में खराब हवा वाली धुंध की चादर छाई रही। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में AQI 476 दर्ज किया गया। दिल्ली में कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार को लेकर कांग्रेस नेता अजय माकन ने चिंता जाहिर की। उन्होंने दिल्ली में लॉकडाउन लागू करने की अपील की।
अजय माकन ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अपील करते हुए कहा कि वो फौरन दिल्ली में लॉकडाउन लागू करें। दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 1 से 9 नवंबर तक 581 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को फटकार लगाया और उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। हाल ही में सीरो सर्वे रिपोर्ट की जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट देखने से लगता है कि दिल्ली में हर 4 साल में से एक शख्स जो है कोरोना संक्रमित है और हर घर में कोई ना कोई कोरोना महामारी की चपेट में आ चुका है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में कोरोना ने इतना भयानक रूप ले लिया है कि इसके बावजूद दिल्ली सरकार ने अभी तक कोई उचित कदम क्यों नहीं उठाया है और कोरोना पर दी गई ढील पर अब तक रोक क्यों नहीं लगाई गई है। दिवाली और छठ महापर्व के मद्देनजर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने व्यापक तैयारियां शुरू कर ली है। स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के साथ ही भीड़ प्रबंधक का भी खास इंतजाम किया गया है। रेलवे बोर्ड के सीईओ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जायजा लिया और बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए सभी मुख्य स्टेशन पर पूर्वांचल दिशा से ए तरफ जाने वाली ट्रेनों को संचालित किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में 8 लाख से ज्यादा बैंक कर्मचारियों को इस दिवाली में 5 साल के लिए 15% वेतन वृद्धि का तोहफा मिला है। भारतीय बैंक संघ के कर्मचारी और अधिकारी संघों के साथ वार्ता के दौरान ही सहमति बनी। देश भर में पानी बचाने की मुहिम को लेकर आईटीवी नेटवर्क लंबे समय से काम कर रहा है। आईटीवी नेटवर्क का लक्ष्य पानी को बचाकर हर शख्स को पानी मुहैया करवाना है। जहां बूंद बूंद पानी मयसर नहीं है, आईटीवी की मुहिम आखिरी बूंद की सरकार ने भी सराहना की और आईटीवी फाउंडेशन को साल 2020 के जल शक्ति सम्मान समारोह के लिए चुना गया। जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से आईटीवी नेटवर्क को यह सम्मान दिया गया। आईटीवी फाउंडेशन के फाउंडर और प्रमोटर कार्तिकेय शर्मा ने इस सम्मान को ग्रहण किया। साथ ही कार्तिकेय शर्मा ने जल शक्ति मंत्रालय का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस अवार्ड से टीम का हौसला बढ़ेगा और आगे मजबूती के साथ जल संरक्षण को प्रमोट किया जाएगा। कोरोना महामारी के मुश्किल समय में के दौरान मरीजों की तुरंत इमरजेंसी सेवाएं मुहैया करवाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने 24 BLS फोर्स एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंस की कमी के मद्देनजर जो है पंजाब में 100 अन्य एम्बुलेंस खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। फोर्स मोटर्स से 61 और टाटा मोटर्स से 20 एम्बुलेंस की खरीद की गई है। उन्होंने बताया कि पहले पड़ाव में मेक इन पंजाब नीति को ध्यान में रखते हुए 77 एम्बुलेंस खरीदी गई थी। मानसा के शहरी और ग्रामीण में श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। हरसिमरत कौर बादल ने प्रेम कुमार अरोड़ा को मानसा शहर का अध्यक्ष बनाया और गुलमेर सिंह को मानसा ग्रामीण की नियुक्ति की गई और उनको सम्मानित किया। दोनों नवनियुक्त अध्यक्षों ने पार्टी हाईकमान का आभार जताया और कहा कि जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बठिंडा दौरा किया और इस बीच उन्होंने लोगों को दिवाली की शुभकामना दी और सभी के सुख की कामना की। जालंधर के पटाखा मार्केट में दुकानदार पटाखा बेचने के लिए तैयार बैठे, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी पटाखा की बिक्री नहीं हो रही है, जिससे दुकानदार परेशान है। जालंधर में धनतेरस पर बाजारों में खूब रौनक देखने को मिली। खरीदारों के लिए बड़ी संख्या में लोग बाजारों में दिखे। कोरोना काल में दुकानदार काफी मायूस दिखे थे, लेकिन धनतेरस पर अच्छी बिक्री होने से दुकानदार भी खुश नजर आए। जय जवान जय किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दलजीत सिंह ओलख ने पटियाला में प्रेस वार्ता किया। सिखों के नौवे गुरु गुरु श्री तेग बहादुर की को अपनी पार्टी के लिए राष्ट्रपिता घोषित किया और डॉक्टर दलजीत सिंह ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर ने समूचे विश्व को शिक्षा दी है।
कृषि कानून के खिलाफ पिछले दो महीने से किसानों का प्रदर्शन जारी है और शंभू बैरियर में किसान विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं गुरुवार को पंजाब के अलग अलग संगठनों ने पंथ प्रचारक ने अपना समर्थन देने के लिए शंभू बैरियर पहुंचे, जहां प्रचारकों ने कहा कि सिख पंथ किसानों के पक्ष में है क्योंकि किसान देश हितैषी है और अपने हक के लिए सड़कों पर धरना देने के लिए मजबूर है। सभी सिख पंथ प्रचारकों ने केंद्र सरकार के कृषि कानून को निरस्त करने की मांग करते हुए किसानों को अपना पूरा समर्थन देने की बात कही। बठिंडा के खालसा स्कूल के अध्यापकों के आपसी झगड़े का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक झगड़े की शुरुआत तब हुई जब एक अध्यापक को अपनी कुर्सी से हटाकर दूसरी जगह बैठने को बोला गया था। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि नए अध्यापक के लिए दूसरे कमरे में व्यवस्था की गई है, लेकिन किसी टीचर को कोई अधिकारी नहीं छीन सकता है। त्योहारों के सीजन को देखते हुए कोई शरारती तत्व नुकसान न पहुंचाए, इसको लेकर धूरी पुलिस ने चेतावनी देते हुए एक फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च धूरी के डीसी दफ्तर से शुरू करके पूरी धूरी में चक्कर लगाते हुए वापस धूरी के थाना सिटी आकर खत्म किया गया। पटियाला में प्रशासन के नाक के नीचे सरेआम सट्टे और जुए का घोरक धंधा चल रहा है। हालांकि प्रशासन ने कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों की सट्टेबाजी जो लगातार जारी है, वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके गिरफ्तारियों को जल्दी गिरफ्तार करने की बात कही। मोगा के कस्बा कोट इलाके में पुलिस ने छापेमारी करते हुए खान रोड के जीएम पैलेस से अवैध पटाखों का जखीरा बरामद किया। पुलिस ने लुधियाना के फील्डगन क्षेत्र से एक घर में बने गोदाम की छापेमारी में बड़ी मात्रा में अवैध पटाखों की खेप बरामद की। पुलिस ने कहा कि पटाखे केवल वही दुकानदार रख सकते हैं जिनके पास लाइसेंस है। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि पटाखों की कीमत करीब जो 50 लाख रुपए बताई जा रही है, सारा माल बरामद कर लिया गया। हालांकि दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। खन्ना रोड पर फीड फैक्ट्री के पास एक स्टोर में पुलिस ने छापेमारी की और बड़ी संख्या में अवैध रूप में रखे गए पटाखे बरामद किए। पटाखों की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। चंबा के चौगान मैदान में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने करीब 113 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों, पुलों और हॉस्टल की पार्किंग स्थल की आधारशिला रखी। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए कोविड-19 के नियमों का पालन करें। चौगान में करोड़ों की आधारशिला रखने से पहले सीएम जयराम ठाकुर को कार्यकर्ताओं ने शॉल और टोपी पहनाकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बटियाल हल्के से सिहुता में भी 50 करोड़ रुपए लागत की योजना का शिलान्यास किया। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने बटियाल के चुवाड़ी में पीडब्ल्यूडी का डिवीजन और 3 स्कूलों को अपग्रेड करने की घोषणा की। हिमाचल प्रदेश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर के मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया। राजधानी शिमला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव भवन से लेकर डीसी ऑफिस तक रोष रैली निकाली और राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धारा 144 तोड़ते हुए माल रोड पहुंचे और डीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर दाम कम नहीं होते तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। 53 साल की उम्र में बॉलीवुड एक्टर आसिफ बसरा ने धर्मशाला में सुसाइड किया। पालतू कुत्ते की रस्सी से लगाया फंदा, आत्महत्या की वजह फिलहाल अभी तक नहीं हो पाया खुलासा। अभिनेता आसिफ बसरा पिछले 5 सालों से मैक्लोडगंज में एक किराए के मकान में रह रहे थे। उनके साथ उनकी एक विदेशी महिला मित्र भी रहती थी। हालांकि सुसाइड नोट में कारण का भी पता नहीं चल पाया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि प्रारंभिक जांच में अभिनेता बसरा जो है डिप्रेशन के शिकार थे।
हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने शिमला में एक प्रेस वार्ता करके प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण से कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं कराया, साथ ही उनका कहना है कि अस्पताल में पेशेंट्स के लिए रखने की जगह नहीं है। जयराम सरकार पर तीखा हमला करते हुए कुलदीप राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मोदी सरकार के फरमानों को बिना सोचे समझे लागू कर दिया है। कुलदीप राठौर ने कहा कि बिना इंतजाम के स्कूल खोल दिए गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि शिक्षक और छात्र कोरोना पॉजिटिव आए हैं, तब जाकर प्रदेश सरकार ने स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया। हिमाचल में अटल रोहतांग टनल को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहे। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की शिलान्यास पट्टिका हटाने को लेकर कांग्रेस ने कुल्लू और लाहौल में 13 नवंबर तक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के चलते कुल्लू के ढालपुर मुख्यालय में कांग्रेस नेताओं ने पार्टी कार्यालय से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक रोष रैली निकाली। बॉलीवुड में फेल रेड ड्रैग रिंग की जांच कर रहे एनसीबी ने फिल्म अभिनेता अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड ग्रैबिला से 6 घंटे तक पूछताछ की। ग्रैबिला के घर पर सर्च के दौरान प्रतिबंधित दवाइयां मिली थी, इसके बाद एनसीबी ने ग्रैबिला और अर्जुन रामपाल को अलग अलग दिन समन जारी किया था। ग्रैबिला ने बताया कि इन दवाइयों को पेन किलर के तौर पर डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पर लिया जाता था, हालांकि उनके पास डॉक्टर का कोई प्रिस्क्रिप्शन मौजूद नहीं मिला। फरीदाबाद के बहुचर्चित निकिता हत्याकांड मामले में अब सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट करेगी। निकिता हत्याकांड की सुनवाई को फास्ट कोर्ट ट्रैक में मंजूरी मिली है, जहां रोज सुनवाई होगी। निकिता के पिता ने संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अब उनकी बेटी को जल्द न्याय मिलेगा। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। निकिता के पिता ने अपील की है कि सरकार और विपक्ष मिलकर बेटियों की सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े कानून बनाए, ताकि बेटियां सुरक्षित हो सके। रूस ने अपनी स्पुतनिक 5 वैक्सीन के लिए लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए 92% प्रभावी होने का दावा किया है। रूस ने दावा वैक्सीन के अंतिम परीक्षण परिणाम आने के बाद सामने आया है। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 5,24,00,000 के पार। अब तक 12,00,000 से ज्यादा मरीजों ने गवाई जान। पूरी दुनिया में अब भी 1,44,00,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,66,48,000 के पार। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील है। अब तक 1,63,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गवाई जान। कुल मरीजों का आंकड़ा 57,49,000 के पार। रूस में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कुल मरीजों का आंकड़ा 18,36,000 के पार। अब भी 4,36,000 से ज्यादा एक्टिव केस, 31,000 से ज्यादा मरीजों ने गवाई जान। देश में 24 घंटे में सामने आए 2,000 से अधिक नए केस। 550 मरीजों ने गवाई जान। 86,84,000 से ज्यादा केस संक्रमित। 4,89,000 से ज्यादा एक्टिव केस। पंजाब में कोरोना का कोहराम जारी है। 24 घंटे में पंजाब में 699 नए केस आए और 31 मरीजों ने गवाई जान। पंजाब में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,39,000 के पार, जबकि 1,29,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को दी मात। वहीं प्रदेश में कोरोना के 5,246 से ज्यादा एक्टिव केस। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कोहराम जारी है, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 610 नए केसेस सामने आए और 12 मरीजों ने गवाई जान। हिमाचल में कोरोना संक्रमितों की संख्या 27,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है और 21,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को दी मात, जबकि प्रदेश में कोरोना के 5,601 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 125 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा 45,000 के पार। अब भी 88,000 से ज्यादा एक्टिव केस। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में सामने आए 2,184 नए केस। अब भी 18,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अब तक 11,415 से ज्यादा मरीजों ने गवाई जान। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए कोरोना के 1,732 नए केस। मरीजों का आंकड़ा 8,47,000 के पार। 18,000 से ज्यादा एक्टिव केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में सामने आए 1,884 नए केस। अब तक 4,73,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। 22,000 से ज्यादा एक्टिव केस।
उत्तराखंड में 24 घंटे में 5 मरीजों ने गवाए जान, 783 संक्रमित मिले। एक साथ ही संक्रमित मरीजों की आंकड़ा जो है 66,000 के पार, इनमें से 60,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी। राजस्थान में कोरोना के 16,000 से ज्यादा एक्टिव केस एक दिन में सामने है, 2,080 नए केस, मरीजों का आंकड़ा 2,17,000 के पार। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है, 24 घंटे में कोरोना के 8,593 नए केस आए और 85 मरीजों ने गवाई जान, 42,000 से ज्यादा अब भी एक्टिव केस।